ها
देखो राजा साहब मैं लड़की का टीका देना लेकर आया, आपका अगर लड़का हो तो हमें आप दिखा सकते हो। शादी करने के लिए पैगाम लेके आए हो? जी सर। तुम्हें किसने बताया? आपके मंत्री ने बताया है कि मेरे महाराज का अकेला पुत्र है, आप देख सकते हो। ये गलत है, मेरा बेटा अभी छोटा है, मैं नहीं शादी करूंगा। नहीं शादी करोगे तो कोई बात नहीं, क्या बैठा आपका मंत्री? महाराज ये बंगाल की लड़ाई है। ऐसा है कि मुलाजिम एक जो प्रदेशी आए हुए हैं, इन्होंने पूछा कि आपके राजा साहब का कोई लड़का है? तो मैंने कहा कि हाँ लड़का है, लेकिन स्कूल में पढ़ रहा है और ये शादी का पैगाम लेकर के आए हुए हैं। आप देख लीजिए पत्र, मेरा पापागढ़ में राजधानी है, अभी हमारा पुत्र छोटा है। अरे जबरदस्ती होता होगा, अगर पत्र आप देख लो साहब, आप पत्र देख लो, इस पत्र को देखिए, पत्र को देख लो, अगर अगर इच्छा चाहे तो शादी स्वीकार करना, अगर ना इच्छा चाहे तो चले जाएंगे। आपकी बात देखो, आप पंडित जी आपकी बात हम माने, ठीक है? मैं पंडिताओं का मान सम्मान करता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए आप बताएं। देखो राजा साहब मैं पत्र लेकर आया हूँ, शादी का पैगाम है, आप मेरा पत्र दहेज वाला है, आप देख लो, अगर इच्छा चाहे तो शादी कर लेना, नहीं तो हम दूसरी जगह भाई साहब चले। ये बताओ किसकी लड़की है, कहाँ की लड़की है, कहाँ से पैगाम लेके आए हो? राजा सूरजमल की लड़की है, ये समर बंगाल से आए हुए हैं हम, समर बंगाल से आए हुए हैं हम। राजा सूरजपाल बंगाल में रहता, ऐसा मजा अरे यहाँ इतने लोग शादी करने वाले आ चुके, हमें लड़के की शादी नहीं तय की। क्या पहले पत्र है, ये किस बात का है? जो मतलब अपनी लड़की से कन्यादान लोग करते हैं, कन्यादान का पत्र है। महाराज हमारे दरबार का ही असूल है, इसे ना रखें और किसी से उंगली उठाकर ना बात करें। क्यों तुम्हें खाना नहीं खा? ये पत्र आपका पढ़ूंगा। अरे अरे भटकती हो, होश में रहो, नहीं तो क्या मानूंगा। आप बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जा, महाराज बैठ लेंगे कुर्सी पर। अच्छा ये पत्र है, पत्र को पढ़ूंगा। अरे खाली भर अब बंगाल महासूरजपाल राजा, अब उनकी बिटिया बुआ पत्नी, अब
Papa,